राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है, पूरी सुनिए। आपने पसंद आवे तो शेयर कर दियो, और जो भी मेरे चैनल पे नए आवे भाई, हाथ जोड़ के विनती है, भाई हो चाहे बहन हो, सब्सक्राइब कर दियो। अगर आपने पसंद आवे तो करियो, ना आवे तो मत करियो। अगर करो तो फिर अनमत करियो, फिर भाई बड़े रहियो, वीडियो पे साथ देते रहियो वीडियो पे। और ये सब सब तक कहूँ भाई मैं तो, जो चाहे कोई भी होया, किसी की वीडियो ने देखो, मन ठुके थारा सब्सक्राइब करो, ना कर ना ठुकता तो मत करो, पर करे पीछे फिर अनमत करे करो। ऐसे सबका दिल टूटा है, मेहनत सब कर रहे हैं। तो एक राजा था, और उसके दरबार में जो एक आदमी आवे नौकरी मांगण, और वो आदमी था सियासी, कुछ समझे? सियासी मतलब सबकी खबर रखने वाला, आज कहाँ के हो रहा है कैसे, सारी खबर रखने वाला, आदमी की चाल देख के बताने वाला, आदमी की बात तक बताने वाला, आदमी के खान पीन के तरीके तक बताने वाला, कि कैसा है, किस तरह का है। सियासी काउंसलर जो भाई सबकी थोड़ी उसकी जान रखे है, कहाँ भाई किस तरह का आदमी है, किस तरह का ना है, तो इस तरह की। तो वो जो एक सियासी जो है राजा के दरबार में आया नौकरी मांगण, अगर राजा साहब मैं एक सियासी हूँ, काउंसलर हूँ, आप मने जो है आप अपने दरबार में नौकरी पर रख लो। तो राजा बोला, अक भाई मेरे पास तो बहुत है दरबार में सलाह देने वाले, हर तरह की सलाह देने वाले, भाई राजा हूँ, क्या पता कब कैसी देश में सिचुएशन आ जावे, भाई उसी उसी हिसाब के मैंने सब रख रखे हैं, भाई सलाह देने वाले एक तो एक है बढ़ के, भाई फिलहाल मैंने आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जो अगर आपने नौकरी करनी है तो भाई एक मेरे जो घोड़े का अस्तबल जो है, जहाँ घोड़े बंधे है उसने अस्तबल बोल रहे हैं, तो जो जो घोड़ जहाँ घोड़े बंधे है अस्तबल में, वहाँ एक नौकरी खाली है, वहाँ का जो मुखिया था वो जो है गुजर गया और उसकी जगह खाली है। अगर भाई तुमने तने नौकरी चाहिए तो भाई तू घोड़े का अस्तबल का मुखिया बन सके। तो सियासी ने चाहिए थी नौकरी, तो उसने तो भाई करनी थी, तो वो जो है अपने राजी राजी जो है वहाँ ज्वाइन कर लिए और अपने घोड़े की देखभाल कराए, मुखिया बन गया वहाँ का। और तो घने दिन हो गए उसने नौकरी करते करते। तो एक दिन राजा जो है घूमते घूमता घूमता जो है वही वहाँ पहुँचा घोड़े के अस्तबल में। तो वहाँ जाके देखा घोड़े घाड़े ठीक ठाक थे, सब बढ़िया। और तो वो जो जिस पर राजा सवारी करे था कहीं जाना हुआ था, तो राजा उसके पास गया घोड़े के पास, और उसने भाई उससे लाड प्यार कराया, कुछ कराया, उससे बात करी कुछ, तो घोड़ा भी खुश होया, अब भाई मेरा मालिक आया है। और तो जो राजा था वो सियासी तो बोला, अक भाई ये बता अक यो घोड़ा कैसा है, किस नस्ल का है, कैसा है, तू बता, तने घने दिन हो गए नौकरी करते ने, बताइयो किस तरह है। तो वो सियासी बोला, अक राजा साहब ये घोड़ा तो नकली है, ये असली नहीं है, ये नस्ल का नहीं है, खानदानी नहीं है। तो राजा बोले, ऐसे कैसे है, मैंने तो भाई जिस तरह खरीदा था वो कह रहा था असली है, ये है वो है, उसने तो इसकी बहुत खूबी गिनवाई थी। तो वो बोल रहा नहीं नहीं राजा साहब, ये असली नहीं है आप। तो राजा ने जिस तरह घोड़ा लिया था सैनिका ने भेज के, और उसने बुलवाया भाई, उसने बुला के लिया फ़ौरन, और उससे बात करी जाओगी अक यो असली है, अक नकली है, कैसा यो कैसा घोड़ा दे दिया, क्योंकि सियासी ने तो कह दी यो नकली है, खानदानी नहीं है। तो उससे पूछिए भाई वो कैसा घोड़ा है, तो वो बोला जी एक बढ़िया घोड़ा आया है। वो क्यों कहेगा कि भाई मैंने जो है ये नकली घोड़ा दे रखा है। तो राजा जो उससे थोड़े से सख्त से लहजे में पूछ जाए, बताइए किस नस्ल का घोड़ा है, कैसा है, असली भी है या ना है। तो बोले ना जी ये असली को ना, इसकी जब ये छोटा सा था ना, तो इसकी माँ मर गई थी, घोड़े की माँ मर गई थी, और जो है अब घोड़े पड़े कैसे, तो हमने जो है गाय का दूध पिया रखा इस तरह घोड़े तक, तो इसने अपनी माँ का तो घोड़ा वो दूध मिला नहीं, तो इसने जो हमने गाय का दूध पिया के और जब पाड़ा आई हो मैंने, तो वो असली तो होया नहीं, क्योंकि वो तो गाय के दूध पे पड़ रहा था। अब घोड़े का पीता तो भाई वो असली होता, उसमें गुण होते सारे, तो उस वो आदमी तो चला जाए। तो राजा उससे पूछे है सियासी थे, अब भाई ये बता तने जो है यो तने कैसे पहचान करी इस घोड़े की, अब भाई असली है या नकली है।
तो सियासी बोल रहा कि राजा साहब जो असली घोड़ा रहेगा ना वो जो है घास ने ठा के और सिर ऊंचा ऐसे सिर ऊंचा कर कर जब घास खावेगा जो असली होवेगा, और यो है नकली क्योंकि यो जो घास तो खावे है लेकिन घास खा के और गाय भैंस की तरह नीचे सिर करके और जब खावे तो इसकी यो पहचान है कि यो नकली है। तो राजा खुश होया, अब भी चलो तेज है दिमाग का बंदा। और तो फिर घने दिन हो गए उसने इस नौकरी करते इसी में। और तो एक बार राजा जो है अपनी मल्लिका की उसने उसमें लगा दिया, भाई तने जो है महल में रहना रानी की देख वो करनी है भाई, मतलब उसने कुछ रानी का भेद कटवाना था राजा ने, तो उसके उस पर लगा दिया भाई तूने रानी के यहाँ रहना है देखना है। और तो घने दिन हो गए, राजा ने फिर उससे पूछी सियासी थे भाई ये बता कि रानी कैसी है किस हिसाब की है के है। तो वो बोला जी आपकी रानी भी नकली है। बोला ऐसे कैसे है, एकदम में तो राजा का गुस्सा उठा अभी मेरी रानी के बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है। लेकिन घोड़े वाली बात तो वो थोड़ा सा कुछ राजा समझ गया कहाँ भी अगर इसने कही है तो कुछ बात में दम है। तो वो बोले ऐसे कैसे, और बोले हाँ जी नकली है जी आपकी रानी, आप जब बूझ लो किसी तक बूझ लो। तो राजा जो है फौरन आदेश देवे है भाई अपनी सासू ने बुलावे, बुलावा भेज के सैनिक भेज के अपनी सासू ने बुलावे और उससे तो है सख्त लहजे में पूछे कि बता भाई ये जो बेटी है ये राजकुमारी है जो हमारी मल्लिका है हमारी रानी है ये असली है या नकली है। मतलब पूछने का ये था भाई ये आपकी बड़ी सगी बेटी है या भाई ये कोई किसी और की है। और तो पहले तो नाट जाए भाभी अग्नि जी मेरी बेटी है, फिर वो जो है थोड़ा सा नरम पड़ जाए, वो कहे कि जी जो आपके अब्बू ने आपके पापा ने आपके बाबू ने जो है बचपन में रिश्ता कर दिया था मेरी बेटी के साथ। और तो जो मेरी बेटी जो है 6 महीने की होकर मर गई थी। और तो हमने ये सोची कि भाई राजा तुम्हारा रिश्ता बनया रहेगा और भाई ना अगर बेटी मर ना रिश्ता उस्ता होया तुम्हारा तो रिश्ता टूट जाएगा। तो हमने जो है यो यो बेट यो जो लड़की थी राजकुमारी थी जो यो हमने किसी की गोद ली थी तो इस मार भाई हमने अपनी करके पाली और ब्याह दी। और तो फिर चली गई बात। फिर राजा ने उससे सियासी पूछी अब भाई ये बता तने कैसे पता लगे कि भाई यो जो असली ना यो नकली है। तो बोला जी जो असली रानी रहेगी ना खानदानी जो रानी रहेगी वो जो है अपने महल में जितने भी नौकर चाकर है भाई जो भी नौकरी कर किसी भी पोस्ट पे है वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करेगी जो असली होगी जो खानदानी होगी जिसके कई पुश्ते खानदान पुश्ता तो खानदानी रानी रानी राजकुमारी जो बनती आ रही है जो खानदानी नहीं है। क्योंकि तो इसका जो रानी का जो रवैया है अपने नौकरों के प्रति सेविका के प्रति जो भी सैनिक है जो भी इस महल में भाई कुछ काम कर रहा है उनके प्रति जो है इसका रवैया ठीक नहीं है, जो बहुत गंदा इसका व्यवहार बहुत गंदा है उनके प्रति। जो असली रहेगी वो तो उसका बर्ताव सही होगा लेकिन ये नकली है क्योंकि जो भाई आदमी नॉर्मल से जैसे व्यवहार में रहेगा वैसे ही उसमें गुण आ जाएंगे। थोड़ा जस्ट और भी ज़्यादा खुश हो जावे भाई हाँ भाई तेज खोपड़ी है। फिर जो है घने दिन हो जाए तो राजा उससे एक बार रुका कि भाई चल और तो सारी बात तेरी ठीक निकली पर अब मेरे पे ये एक बात हो रही है बता दे अब तने घने दिन हो गए महल में तो मेरे को ये बता दे अगर मेरे बारे में तेरा क्या विचार है। राजा बोला तो वो बोला अगर राजा जी अगर जान बख्शो तो बताऊँ भाई जान की खैर करियो जान बख्श दियो बता तो दूंगा। तो बोले चलो ठीक है बख्श दे वादा रहा पक्का भाई तेरे तो जो है कुछ नहीं कहा जाओगा तू बता मेरे बारे में विचार किए। तो वो बोला राजा साहब आप भी नकली हो आप भी असली नहीं हो। तो राजा तो एकदम सुनती पारा चढ़ गया जने तो ये तोड़ देगा फांसी। फिर राजा जो मन मन में कुछ सोचा फिर नरम पड़ गया भाई ये बता थोड़ा हंस के पूछी भाई ये बता कैसे हूँ मैं नकली, मैं तो राजा हूँ मैं नकली कैसे हुआ। तो वो बोला जी अपनी माँ से पूछो आप नकली हो। तो उसने अपनी वो गया और राजा जो है अपने माधोरे दरबार वही भवन उसमें महल में और जाकर अपनी माता पूछा पूछा कि माँ एक बात बता और सच बताइए नहीं तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा मेरे ते बस जो भी है सच्चाई बता दी मेरे ते। तो बोला तो अब माँ ये बता कि मैं सही में मैं किसका बेटा हूँ मैं आपका ही खून हूँ या किसी और का हूँ। तो उसकी माँ कह नहीं बेटा भाई तू मेरा बेटा नहीं है तू तो जो है एक गडरिए का बेटा है भाई हमने जो है तू गोद लिया था तुम्हारा बेटा ना तू खानदानी नहीं है मतलब ये है अभी तू खानदानी रही राजा नहीं है तू हमने किसी गडरिए का बेटा गोद लिया था और उस भाई उसके उस पर भाई तू राजा बनया है कुछ कहानी बताई उसने। तो भाई तू असली तू भी नहीं है तू गडरिए का बेटा है। और जब भी उसने जिस तरह घोड़े के कुछ बारे में बताई तो राजा ने भाई उस पर कुछ वैसे तो कुछ इनाम नहीं दिया उस टाइम पे
लेकिन राजा ने उसका राशन रोशन रसोई का सामान साबुन तेल चावल चूड़ के दे दिए। जब रानी की बताई, जब भी उसने ऐसा ही सामान दिया रसोई का, वही उसका चावल चूड़ अनाज नूज ऐसे ऐसे सामान गिरवा दिया। और अब राजा ने पूछी अपने उसके बारे में, तो राजा ने भाई उसने फिर उससे ऐसा इनाम दिया। तो राजा ने फिर आकर उससे नू पूछी, अक भाई तू ये बता मेरे को, अक तूने कैसे पता लगे अक भाई मैं असली हूँ या नकली हूँ, भाई जो भी है कैसे पता करे तेने। तो वो बोले सियासी, अक जी आप जो असली राजा होगा ना, वो जो है इनाम के तौर पे, जो इनाम किसी भी चीज़ का भाई मतलब किसी पे भी देना पड़े, तो राजा जो इनाम जो है सोने चांदी हीरे जवरात तुरंत, मतलब वो ऐसे इनाम देगा, ये राजा की पहचान है, जो असली राजा है खानदानी राजा जो है वो इनाम के तौर पे हीरे मोती जवरात देगा। और आप तो भाई साबुन तेल रसोई का सामान लो, आटा लो, चावल लो, चीनी नमक लो, आपने तो जब दो दो बार होगी, आपने तो दोनों बार में ऐसे ऐसे इनाम दिए है, तो ये कोई असली राजा की पहचान नहीं है, ये तो भाई नॉर्मल से आदमी की पहचान है, जैसे गडरिया भी नॉर्मल आदमी है, तो आपने ऐसा ही आपके खून में भी आपने ऐसा ही नाम देना हो, तो असली राजा होता तो भाई हीरे मोती देता, तो इससे पहचान होती। तो देखो ये छोटी सी कहानी हमें सीख दे रही है कि भाई अगर आदमी की पहचान कर ले, जैसे अपने बड़े बूढ़े हैं वे जो है आदमी ने मिनट में देख के ये बता दे कि ये किस तरह का आदमी है, ये के कह रहा है के ना कह रहा है, वो मिनट में बात ने परख जाए। तो आप भी जो है भाई उम्र के साथ जो है सब सीख जाए, तो अपने भाई जो है अपने अच्छे बुरे का देखो, आदमी ने परख कर जब आदमी के साथ साथ रहो भाई, जैसे दोस्ती है भाई अच्छी तरह परखो देखो भाई उसके साथ जब दोस्ती करो, क्या एक रहे अगर 1,000 दोस्त होने तो बढ़िया, एक दोस्त हो अच्छा हो और सच्चा हो, भाई आपकी मुसीबत में काम आने वाला हो, चाहे सुख में पीछे हो पर दुख में आगे हो, आपके साथ हर घड़ी खड़ा रहे। तो ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी। आज मेरे जो है कमेंट बंद हो रहे हैं, मैं सबकी पे लाइक भी कर रही हूँ कमेंट भी कर रही हूँ, लेकिन कमेंट यूट्यूब हटा दे रहा है बार बार, तो लाइक ज़रूर कर रही हूँ, तो भाई ये ना सोचे भाई वीडियो नहीं देखी कमेंट नहीं आया, तो मेरे कमेंट जो है बार बार यूट्यूब हटा रहा है। ठीक है जी।